आप देख रहे हैं इज माय कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज मैं बात करने वाला हूं कि मारुति सुजुकी की इग्निस का कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से वेरिएंट में हमें क्या कुछ मिलता है और हमें क्या कुछ स्टैंडर्ड मिलता है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। सो इसमें आपको मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में लगभग सब कुछ जानने को मिल जाएगा, तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक और इसमें आपको हर एक चीज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी इग्निस का कौन सा वेरिएंट आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मारुति सुजुकी इग्निस का जो इंजन है वो आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ और 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ, और ये आता है सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वेरिएंट में, चार वेरिएंट में इग्निस आता है। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है, लोएस्ट वेरिएंट है सिग्मा, वो आता है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में और उसमें एएमटी का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता है। तो सिग्मा सिर्फ पेट्रोल में और डेल्टा से आपको डीजल पेट्रोल और एएमटी पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मारुति सुजुकी इग्निस में जो सारे वेरिएंट में जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड फीचर्स क्या क्या रखे गए हैं। तो अगर मैं बहुत अच्छे फीचर्स की बात करूं तो उसमें आता है आपका एबीएस और डुअल एयरबैग जो स्टैंडर्ड रखा गया है, उसके साथ ही आपको मिलता है आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स, जो एंकर्स होते हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए वो भी दिए गए हैं रियर सीट पे एज ए स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और इसके साथ ही आपको मिलता है 15 इंच का व्हील सारे वेरिएंट में, तो इतना ही मिलता है आपको एज ए स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी इग्निस में। हम बात करें सिग्मा वेरिएंट की, जो कि बेस वेरिएंट है, वो आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट पावर विंडोज मिलते हैं विद ऑटो डाउन फंक्शनैलिटी, जो कि अच्छी बात है। रियर पावर विंडोज आपको नहीं मिलते हैं, रियर सीट जो है वो फोल्डेबल नहीं है, स्प्लिट रियर सीट नहीं है, रियर सीट में आपको आर्म रेस्ट भी नहीं मिलते हैं। इसमें जो एसी है वो भी मैनुअल एसी है, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है। इसके साथ ही इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेगा और ये सिर्फ पेट्रोल में आती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इसमें आपको रियर में कोई पार्सल ट्रे भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही इसमें जो व्हील मिलेंगे आपको 15 इंच के, वो भी स्टील व्हील होंगे और उसके साथ आपको कवर भी नहीं मिलेगा। तो ये तो रही सिग्मा वेरिएंट की बात, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, बहुत बेसिक सी कार है। सिर्फ प्राइस 4.59 से स्टार्ट करने के मकसद से इस वेरिएंट को बनाया गया है और इसीलिए ये डीजल में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं मारुति सुजुकी इग्निस तो सिग्मा वेरिएंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए और अगला वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट उसकी तरफ देखिए, क्योंकि उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेल्टा वेरिएंट में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो डेल्टा वेरिएंट में हमें मिलेगा स्टील व्हील्स विद कवर्स, टर्न सिग्नल्स ऑन ओआरवीएम्स, सिक्योरिटी सिस्टम एंड कीलेस एंट्री। इसके साथ आपको टैकोमीटर, डे नाइट रियर व्यू मिरर, म्यूजिक सिस्टम जिसमें आपको यूएसबी, ब्लूटूथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे। ये सिर्फ दो स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम होगा, बहुत ही बेसिक सा, जिसमें कोई भी ट्विटर्स नहीं होंगे। इसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड भी मिलेगा इंटीरियर में। इसमें आपको चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं जो कि सिग्मा में नहीं थे, और इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेगा रियर सीट पे और फ्रंट सीट पे। इसमें आपको स्प्लिट बेंच स्टाइल रियर सीट मिलेगा जो आप फोल्ड कर सकते हो अगर आप बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हो। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिलेगा और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें भी आपको काफी कुछ मिल जाता है स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा। तो ये एक ठीक ठाक वेरिएंट है, इसको खरीदा जा सकता है इसके प्राइसिंग के हिसाब से। और ये डेल्टा वेरिएंट पेट्रोल में शुरू होती है 5.19 लाख से और डीजल में शुरू होती है 6.39 लाख से। अब अगला वेरिएंट जो है उसका वो है जेटा वेरिएंट। तो जेटा वेरिएंट में आपको मिलता है फॉग लैम्प विद क्रोम फिनिश, इसमें बहुत सारे क्रोम का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर्स वाला म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा जो काफी ठीक ठाक है। इसमें आपको पुश स्टार्ट मिलेगा, इसमें आपको रियर वाइपर और डिफॉगर मिल जाएंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे।
और इसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी मिल जाएंगे, जबकि डेल्टा में आपको इलेक्ट्रिकली ओआरवीएम मिलते हैं लेकिन वो पार्शियल फोल्डेबल होते हैं, लेकिन ये आपको फुल्ली फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिलता है। जेटा की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5.79 लाख से पेट्रोल में, और डीजल में ये शुरू होती है 6.19 लाख से। अब हम बात करें अगर जेटा वेरिएंट की, तो जेटा वेरिएंट में भी आपको काफी कुछ मिलता है, इसके प्राइसिंग के हिसाब से ये भी एक अच्छा वेरिएंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की, जिसमें आपको सारे एडवर्टाइज किए गए मारुति सुजुकी इग्निस के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें टॉप एंड वेरिएंट मारुति सुजुकी इग्निस अल्फा में हमें क्या कुछ मिलता है। तो अल्फा वेरिएंट में आपको बाकी के तीन वेरिएंट के सारे फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ आपको मिलता है एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच वाला, जिसमें आप एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो है ही, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलता है, लेकिन जो अल्फा वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट में उसमें आपको एएमटी का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ये शुरू होती है पेट्रोल में 6.69 लाख से और डीजल में 7.8 लाख से शुरू होती है मारुति सुजुकी इग्निस अल्फा, और इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। तो अगर हम बात करें फीचर्स के हिसाब से, तो अगर आपको सारे फीचर मारुति सुजुकी इग्निस अल्फा टॉप एंड वेरिएंट में आपको सब कुछ मिलता है, जेटा में आपको थोड़े बहुत नहीं मिलते हैं लेकिन काफी कुछ मिल जाता है, डेल्टा में आपको एक कार में जितनी सारी चीजें चाहिए होती है, फीचर्स चाहिए होती है, बेसिक फीचर्स वो सारे मिल जाते हैं, ठीक ठाक म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है। तो ये तो रही मारुति सुजुकी इग्निस के वेरिएंट्स के बारे में मेरी राय। आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुनील, इस चैनल इज माय कार सर्च पे ऐसे ही कार रिव्यूज, कार टेक्नोलॉजी, कार कंपेरिजन और कार रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।